वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएमसी चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल ट्रेड फीटर से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। जितने भी ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें टेक्निकल ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए आज का यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करो इससे पहले बता दूं कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को टच जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की परीक्षा उपयोगी वीडियोज हमेशा लाता रहता हूँ। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन यहाँ पे है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर की दोनों टांगों को जोड़ा जाता है। तो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर की दोनों टांगों को स्प्रिंग व रिविट के द्वारा जोड़ा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियर्स स्क्वायर का कौन सा भाग रिफ्रेश सरफेस की तरह कार्य करता है। तो इंजीनियर्स स्क्वायर का दोनों में से कोई एक भाग यानी कि ब्लेड या स्टॉक, इन दोनों में से कोई एक भाग रिफ्रेश सरफेस की तरह कार्य करता है। सॉलिड ट्राई स्क्वायर का ब्लेड स्टॉक के साथ जुड़ा होता है। तो सॉलिड ट्राई स्क्वायर का ब्लेड स्टॉक के साथ जुड़ा होता है हेडलेस रिविट द्वारा। साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है। तो साधारण कैलिपर का साइज रिवट यानी कि कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। 10,000 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 10,000 माइक्रोन 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड बना होता है। तो ट्राई स्क्वायर का ब्लेड हार्ड कार्बन स्टील का बना होता है। स्टैंडर्ड स्टील रूल बना होता है। तो स्टैंडर्ड स्टील रूल स्प्रिंग स्टील का बना होता है। सेंटर हैंड का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटर हैंड का प्रयोग किया जाता है गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए। इनमें से सीट मेटल कार्यों के लिए कौन सा औजार है। तो एल स्क्वायर सील मेटल कार्यों के लिए औजार है। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है। तो इसमें हुक रूल अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है। छेनी के कर्तन छोर को तनिक उत्तलता प्रदान की जाती है। तो छेनी के कर्तन छोर को तनिक उत्तलता प्रदान की जाती है सिरे को उखाड़ना रोकने के लिए। मशीन ट्यूबिंग को काटने के लिए धातु काट आरी का सर्वाधिक उपयुक्त पिच है। तो मशीन ट्यूबिंग को काटने के लिए धातु काट आरी का सर्वाधिक उपयुक्त पिच 8 मिलीमीटर है। एक कांबला विनिर्देश M12x125 के रूप में नामित है। 125 किसका परिचायक है। तो 125 पिच का परिचायक है। निम्न में से किस रेती को उच्च चाल उत्पाद से बनाया जाता है। तो रोटरी फाइल की रेती को उच्च चाल इस्पात से बनाया जाता है। कार्य के छिद्र में बोरिंग औजार घिसे नहीं, इसलिए आवश्यक है कि उसके द्वितीयक सम्मुख अवकाश कोण को अपघर्षित कर दिया जाए। रेक कोण निम्न के बीच का कोण होता है। तो रेक कोण कर्तन कोण की शीर्ष फलक तथा कार्यकारी सतह के लंबवत रेखा का कोण होता है। किसी छेनी का अवकाश कोण निम्नलिखित के बीच का कोण होता है। तो किसी छेनी का अवकाश कोण कर्तन कोण की निचली फलक एवं कार्यकारी सतह का कोण होता है। कर्तन बल या बिंदु निम्न के बीच का कोण है। तो कर्तन बल या बिंदु कर्तन कोण के शीर्ष फलक तथा निचली फलक का कोण होता है। कोई छेनी पदार्थ में प्रवेश करेगी यदि
तो कोई छेनी पदार्थ में प्रवेश करेगी यदि उसका झुकाव कोण अधिक होगा। चीजल के कर्तन कोण पर हल्की उत्तलता दी जाती है ताकि, तो चीजल के कर्तन कोण पर हल्की उत्तलता दी जाती है ताकि अंत यानी कि छोर को काटने से बचाया जा सके। छोटे व्यास के पाइप को काटते समय सलाह दी जाती है कि उस पर लगातार ध्यान दिया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि अधिक सारे दांत संपर्क में ना रहे, अधिक सारे दांत संपर्क में ना रहे। कार्य सतह पर औजार घिसेगा तथा कर्तन बल बढ़ेगा यदि, तो कार्य सतह पर औजार घिसेगा तथा कर्तन बल बढ़ेगा यदि रेख कोण अधिक है। रेख कोण यदि अधिक है तो कार्य सतह पर औजार घिसेगा तथा कर्तन बल जो है वह बढ़ जाएगा। कर्तन के समय छीलन बनना निम्न पर आधारित होता है, तो कर्तन के समय छीलन बनना औजार के रेख कोण पर आधारित होता है। रेख कोण बनाने का उद्देश्य है, तो रेख कोण बनाने का उद्देश्य छीलन को दूर करने के लिए मार्गदर्शन करना है। अवकाश कोण का उद्देश्य है, तो अवकाश कोण का उद्देश्य है कि कार्यखंड से घिसता हुआ औजार से बचाव करना। जब औजार को सेंटर से ऊपर सेट किया जाता है तो जब औजार को सेंटर से ऊपर सेट किया जाता है तो सम्मुख अवकाश कोण घट जाता है। जब औजार को सेंटर से नीचे सेट किया जाता है तो जब औजार को सेंटर से नीचे सेट किया जाता है तो सम्मुख अवकाश कोण बढ़ जाता है। इंजीनियरिंग कार्यों में अत्यधिक हल्की चोट लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इंजीनियरिंग कार्यों में अत्यधिक हल्की चोट लगाने के लिए मैलेट का प्रयोग होता है। हैमर का चीक कैसा होता है? तो हैमर का चीक समतल फ्लैट होता है। बाज पेन हैमर के फेस की आकृति कैसी होती है? तो बाज पेन हैमर के फेस की आकृति सपाट यानी कि प्लेन होती है। प्लास्टिक हैमर की बॉडी किसकी बनी होती है? तो प्लास्टिक हैमर की बॉडी फेरस मेटल की बनी होती है। हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइव की सैक कैसी होती है? तो हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइव की सैक चकोर होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के और परीक्षा उपयोगी वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना मिले आपको सबसे पहले। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।